प्यारे व्यूवर्स, मैं कृष्ण कंडारा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 12th फिजिक्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल्स के अंदर लगभग बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, टॉपिक मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। देखते हैं किरचॉफ्स रूल। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। वो था सिंपल जो सर्किट होता है उनके अंदर सोल्व करने का तरीका। अगर कोई सर्किट कॉम्प्लेक्स हो उनको सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने दो रूल दिए थे। टू सोल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट किरचॉफ्स गेव टू बेसिक रूल्स। उसने दो रूल दिए थे। पहला रूल था किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, या फिर हम उसको बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल, ठीक है। सेकेंड रूल किरचॉफ सेकेंड रूल, या फिर हम उसको बोलते हैं किरचॉफ क्लोज लूप रूल, या फिर किरचॉफ वोल्टेज रूल भी बोला जाता है, ठीक है। एक एक रूल करके समझते हैं। पहले समझते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल बेसिकली क्या है? किरचॉफ फर्स्ट रूल है करंट के लिए, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट के लिए। क्या कहता है? देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट जहाँ बहुत सारे करंट आकर मिल रहे हैं, या जहाँ बहुत सारे करंट आ भी रहे हैं और जहाँ से बहुत सारे करंट जा भी रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा I1 और I2 करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, I3, I4 और I5 जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो किरचॉफ्स ने अपने फर्स्ट रूल में क्या कहा? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। उसने कहा जंक्शन पे मिलने वाले सभी करंट का टोटल सम आई ऑफ आई, मतलब आई वन से फाइव तक, क्योंकि पांच करंट है तो मैंने आई को लिया, समेशन ऑफ आई 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 वन टू फाइव इज इक्वल टू जीरो। मतलब इन सभी का सम क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसने कुछ साइन कन्वेंशन दी। इस सर्किट को सोल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। साइन कन्वेंशन क्या कहती है? दी करंट मूविंग टूवर्ड द जंक्शन पॉइंट आर टेकन एज पॉजिटिव। जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन करंट को कैसा रखना है? पॉजिटिव लेना है। एंड द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट आर टेकन एज नेगेटिव। और जो करंट दूर जा रहे हैं उनको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। मतलब जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको तो लेना पॉजिटिव, मतलब आई वन और आई टू को कैसे रखना है? पॉजिटिव। और आई थ्री आई फोर और आई फाइव को कैसे रखना है? नेगेटिव रखना है। यहां तक बात समझ में आई? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम वही सर्किट है, जंक्शन पॉइंट लिया हुआ आई वन आई टू जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, आई थ्री आई फोर आई फाइव जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज टेकन एज जीरो। इन सभी का सम कैसे लिया? मैंने जीरो के इक्वल रखा है, क्योंकि जंक्शन रूल क्या कहता है? इन सभी का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। पर साइन कन्वेंशन लगाने के बाद, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, देखिए I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव रखा हुआ है, I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव रखा हुआ है, I3 जंक्शन से दूर जा रहा है, जंक्शन से निकलकर जा रहा है, तो नेगेटिव ले लिया। I4 को भी नेगेटिव और I5 को भी नेगेटिव। ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 I4 I5। देखिए यहां से एक और बात सामने आई, सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टूवर्ड द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट। जंक्शन की तरफ आने वाले करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के बराबर होता है। तो मतलब जंक्शन रूल की एक और, किरचॉफ्स रूल की एक और डेफिनेशन हम लोगों ने तैयार कर ली। क्या है? और वी कैन से दैट द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टूवर्ड द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट। जंक्शन की तरफ आने वाले सभी करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाले सभी करंट के सम के बराबर होता है। होप आपको जंक्शन का फर्स्ट रूल समझ, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, डिस्कसिंग अबाउट किरचॉफ्स सेकंड रूल और किरचॉफ्स क्लोज लूप रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या, देखिए पिछले रूल में क्या था? अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन पॉइंट इज जीरो। यहां क्या है? वोल्टेज का सम जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स सेकंड रूल, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। पोटेंशियल कौन कौन से? या तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब जिसको आईआर बोलते हैं, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आईआर, या सम या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कोई वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उन सभी का सम क्या होगा? जीरो आएगा। इसमें साइन कन्वेंशन कैसे ध्यान रखनी है? इसमें साइन कन्वेंशन है,
इफ वन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर कोई करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन आई आर इज टेकन एज पॉजिटिव, तो जो आई आर होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको पॉजिटिव लेना है, वरना नेगेटिव लेना है, एंड वाइस वर्सा, अगर उसके अपोजिट मूव कर रहे होंगे तब नेगेटिव लेना है। इफ वन मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी का देखिए दो टर्मिनल होते हैं, एक बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल, अगर कोई पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब वी को पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज नेगेटिव लेना है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक टिपिकल सर्किट लिया है, देखिए इसमें सिंपल जो सीरीज पैरेलल के रूल है वो नहीं लग सकते हम लोग, इसको देखिए कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको किरचॉफ रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। एक सर्किट है ए बी सी डी ई एफ और ए, ये क्लोज सर्किट है जहां पर दो पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हुए हैं, मतलब सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दो है, ई वन और ई टू। एक रेजिस्टेंस आर वन लगा हुआ है, आर टू लगा हुआ है, आर थ्री लगा हुआ है। करंट की डायरेक्शन हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, तो ई वन के लिए जो आई वन करंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा होगा। इसी तरह ई टू से देखिए, ये देखिए थर्ड वायर है ना, तो मैंने इसको नाम क्या दिया, आई थ्री दिया है, आई थ्री करंट यहां से निकल रहा होगा। यहां किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगाए, आने वाले दोनों करंट का सम जाने वाले के बराबर होना चाहिए, मतलब आई टू आई वन और आई थ्री के बराबर होगा, इतनी बात तुमको पता चल गई। तो यहां से करंट यूं ऐसे जा रहा है, ठीक है जी। चलिए अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा थोड़ा करके किरचॉफ का सेकंड रूल लगाता हूं। पहले लगाते हैं ए बी सी एफ ए पे, ए बी सी एफ ए पे किरचॉफ रूल लगाते हैं। हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, जो आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है, इस ग्रीन वाले से मतलब यूं घूम रहे हैं सर्किट में, ठीक है जी। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ए से स्टार्ट करूंगा तो देखिए सबसे पहले आया आई आर, मतलब आई टू आर टू। साइन कन्वेंशन याद करो, अगर करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे लेना है, पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है जी। हम आ गए यहां आई वन आर वन आ गया, दोनों का प्रोडक्ट कैसे लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है, मैंने कैसे ले लिया, पॉजिटिव। अब हम आ गए यहां, अब ई वन का छोटा टर्मिनल नेगेटिव वाला, ये बड़ा पॉजिटिव वाला, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे तो नेगेटिव लेना है, तो हमने इसको कैसे ले लिया, नेगेटिव ले लिया, और हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया, ई वन जो कि उधर जाके प्लस का बन गया, ई वन इज इक्वल टू आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू। अब आप कहोगे सर आपने ये डायरेक्शन ली, हम तो ये ब्लू वाले डायरेक्शन में घूमना चाहते हैं, कोई बात नहीं ब्लू वाला देख लेते हैं, ब्लू की डायरेक्शन में घूमते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। देखिए मैंने फिर यहीं से स्टार्ट कर लिया, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, मतलब हम ऐसे आ रहे हैं और करंट यूं जा रहा है इस तरफ, तो I2 R2 कैसे लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, करंट ऐसे गया है, I1 R1 भी कैसे लेना पड़ेगा, नेगेटिव। फिर हम देखिए हम यूं घूम रहे हैं ऐसे, हम यहां से नहीं गए, हम ऐसे आए हैं, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, इस बात को ध्यान रखना है कि यूं चलते वक्त, ऐसे चलते वक्त या ऐसे चलते वक्त पहले कौन सा आ रहा है, हम ऐसे चले हैं, यहां से स्टार्टिंग यहां से हुए हैं, पर एंटर कैसे हो रहा करंट, हम लोग एंटर कैसे हो रहे हैं, ऐसे एंटर हो रहे हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव लेना है, दोनों नेगेटिव थे उनको उस तरफ ले गया, ये आ गया, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, दोनों रिजल्ट सेम है, मतलब हम चाहे ब्लू पे चले या ग्रीन पे चले, रिजल्ट सेम आएगा। अब कोई कहता है जी हम तो पूरे सर्किट पे ऊपर लगाएंगे, लगा लो जी ए बी डी ई ए पे लगा लेते हैं, ठीक है जी, इस पे लगाते हैं, कहीं से भी चल लो, मैं यहां पहुंचाऊं पहले, देखिए E2 से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो E2 को कैसे रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। हम यहां आगे ऐसे ही चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो हम I3 और R3 को कैसा रखेंगे, नेगेटिव पर रखेंगे, फिर हम इधर आ गए, करंट की डायरेक्शन में है तो कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव रखेंगे, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को एक तरफ रख लिया और ड्रॉप को एक तरफ कर दिया, रिजल्ट आ गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और वीडियो को पॉज कर करके
थोड़ा थोड़ा देखिए। थैंक यू।